हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ अमेज़न पे बैलेंस टू बैंक ट्रांसफर की एक नई ट्रिक। इस ट्रिक में चार्जेस थोड़े ज्यादा है, लेकिन इंस्टेंटली आपका जितना भी अमेज़न पे बैलेंस है आप अपने बैंक अकाउंट में बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी नई ट्रिक है जिसके थ्रू आप फिर से अमेज़न पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे। और ये बिल्कुल वेरीफाइड ट्रिक है, मैंने अभी अभी इसे ट्रांसफर करके देखा है। इंस्टेंटली अमेज़न पे का बैलेंस मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो आप भी फटाफट इस ट्रिक का फायदा उठा लीजिए। अगर आपके अमेज़न पे बैलेंस में ज़्यादातर गिफ्ट कार्ड का पैसा है जिसे आप अमेज़न पे टू UPI करके भी बैंक में नहीं ले सकते, तो आप अमेज़न पे गिफ्ट कार्ड के बैलेंस को बड़ी आसानी से इस ट्रिक के थ्रू बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। यहाँ पे थोड़े बहुत आपको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इंस्टेंटली ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा, क्योंकि गिफ्ट कार्ड का बैलेंस तो वैसे भी आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते। आपको अमेज़न पे रिचार्ज बिल पे वगैरह करना होगा या फिर शॉपिंग करनी होगी, उसके अलावा आप गिफ्ट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर नहीं सकते। तो अगर आपके भी अमेज़न पे बैलेंस में काफ़ी सारा गिफ्ट कार्ड का बैलेंस पड़ा है जिसे आप बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर तरह की लूट की अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपके अमेज़न पे बैलेंस में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप जहां तक हो सके उस बैलेंस को बिल पेमेंट रिचार्जेस वगैरह करके यूज कर लीजिए, क्योंकि अमेज़न पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का बिल्कुल फ्री का अभी कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास अमेज़न पे UPI टू बैंक ट्रांसफर को ऑप्शन मिला हुआ है, तो उस केस में अगर आपका अमेज़न पे बैलेंस है जो कि गिफ्ट कार्ड बैलेंस नहीं है, तब तो आप हर महीने 30,000 रुपए बिल्कुल फ्री में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब तो लेकिन क्रेडिट कार्ड से भी आप ऊबर ऐप को यूज करके अमेज़न पे बैलेंस में ऐड नहीं कर सकते, वो ऑप्शन भी रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास अमेज़न पे बैलेंस में काफी सारा गिफ्ट कार्ड बैलेंस पड़ा है, हो सकता है आपने कहीं से गिफ्ट कार्ड जीता हो या किसी ने आपको अमेज़न पे गिफ्ट कार्ड दिया हो, तो उस बैलेंस को आप अमेज़न पे UPI टू बैंक ट्रांसफर करके भी बैंक में नहीं ले सकते। उस बैलेंस को तो आप या तो केवल अमेज़न पे शॉपिंग पे यूज कर सकते हैं या फिर बिल पेमेंट रिचार्जेस पे यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ चार्जेस देके गिफ्ट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको डाउनलोड करना होगा एक एप्लीकेशन जिसका नाम है लहर। इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहे तो प्ले स्टोर से जाके डायरेक्ट भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, नीचे आपको साइन अप एंड डन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे वेरीफाई कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। आप जैसे ही अपना फुल नेम एंटर करेंगे आपको एक यूजर नेम यहाँ पे सजेस्ट हो जाएगा, तो आप उसी यूजर नेम को या तो रहने दीजिए या फिर अपना मनचाहा कोई यूजर नेम चूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह की होम स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर देखिए जेम्स बैलेंस 0, कॉइन बैलेंस 75। तो यहाँ पे हम दोस्तों अमेज़न पे बैलेंस को यूज करके जेम्स परचेज करेंगे और फिर उन जेम्स को रिडीम करके अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर लेंगे और पेटीएम वॉलेट से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो आपको जेम्स बैलेंस पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ नीचे देखिए बाय जेम्स, आपको गेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप मिनिमम 10 जेम्स बाय कर सकते हैं और मैक्सिमम 10,000 जेम्स एक ट्रांजेक्शन में बाय कर सकते हैं, और इसे आपकी डेली ट्रांसफर लिमिट है 25,000 रुपीज, यानी कि आप एक दिन में 25,000 रुपए का अपना अमेज़न पे बैलेंस बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 100 जेम्स बाय करने जा रहा हूँ, तो मैं 100 के साइड में जो गेट है उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 100 जेम्स बाय कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे 108 रुपए अपने अमेज़न पे बैलेंस से पे करना होगा। और यहाँ पे नीचे देखिए पेमेंट ऑप्शन में आपको 4 तरह के पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पोस्टपेड, अमेज़न पे वॉलेट और पेटीएम UPI नेट बैंकिंग। तो अगर आप पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप लहर ऐप के थ्रू कर सकते हैं। पर आज हम अमेज़न पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ले रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे देखिए अमेज़न पे वॉलेट का ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे लग रही है 8%। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस थोड़े बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों गिफ्ट कार्ड का बैलेंस तो वैसे भी आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते अगर आपको बिल पेमेंट रिचार्जेस नहीं करना है तो अगर आप लहर ऐप से अमेज़न पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं,
तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे 8% का चार्ज लगेगा, यानी 100 रुपीज का मैं अमेजोन पे बैलेंस ट्रांसफर करूंगा तो 8 रुपए का मुझे चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप 10,000 अमेजोन पे बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो 8% के हिसाब से 800 रुपए का आपको चार्ज लग जाएगा। चार्जेस काफी ज्यादा है, तो अगर बहुत इमरजेंसी है और आपके अमेजोन पे बैलेंस गिफ्ट कार्ड बैलेंस है जो कि फ्री में आया है, तभी आप इस ऐप को यूज कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको गेट जेम्स पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने देखिए यहाँ पे अमेजोन पे का ऑप्शन आ जाएगा, आपको अमेजोन पे को सेलेक्ट करना है। मैं इससे पहले भी अमेजोन पे से ट्रांसफर कर चुका हूँ, इसलिए आप ऊपर में प्रेफर्ड पेमेंट वॉलेट में देख सकते हैं अमेजोन पे का ऑप्शन दिखा रहा है। आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको नीचे वॉलेट सेक्शन में अमेजोन पे दिखाई देगा, आपको अमेजोन पे को सेलेक्ट करना है। फिर आपके जिस भी अमेजोन पे वॉलेट में बैलेंस है उस अमेजोन पे अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। मेरे अमेजोन पे वॉलेट में आप देखिए अभी 44,966 रुपीज का बैलेंस पड़ा है और मैं 108 रुपए का पेमेंट लहर ऐप में करने जा रहा हूँ। तब मैं नीचे पे नाउ पे क्लिक करता हूँ और देखिए इंस्टेंटली 100 रुपीज का अमेजोन पे बैलेंस लहर ऐप में ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ आप देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, लहर ऐप में हमारे 100 रुपीज एज जेम्स ऐड हो चुके हैं। अब हम इस 100 रुपीज को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए आपको बैंक आना है और यहाँ पे आपको आपका जेम्स बैलेंस दिखाई देगा जो कि मेरा आप देख सकते हैं 100 जेम्स बैलेंस है। तो अब यहाँ पे आपको शॉप के बगल में रिडीम ऑप्शन दिखाई देगा, आपको रिडीम पे क्लिक करना है। रिडीम पर क्लिक करने के बाद रिडीम जेम्स टू कैश, वहां पे आपको रिडीम पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आप कितना जेम्स रिडीम करना चाहते हैं इस स्लाइडर की मदद से स्लाइड कर लीजिए। जैसे मैं पूरे 100 जेम्स को रिडीम करना चाहता हूँ तो मैंने इस स्लाइडर को मैक्सिमम पे कर दिया है। उसके बाद उसके नीचे सेंड टू में आपको अपना फुल केवाईसी वाला पेटीएम नंबर यहाँ पे ऐड करना है। मेरा फुल केवाईसी वाला पेटीएम नंबर ऑलरेडी यहाँ पे एंटर किया हुआ है। आपने जिस भी नाम से लहर ऐप में साइन अप किया है आप उसी नाम का फुल केवाईसी वाला पेटीएम नंबर यहाँ पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस पे चेक इन करना है और रिडीम नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, वहां पे बताया जाएगा मनी विल बी सेंड टू बिलो पेटीएम वॉलेट नंबर, तो आपको अपना पेटीएम वॉलेट नंबर चेक कर लेना है। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। देखिए कन्फर्म पे क्लिक करते ही इंस्टेंटली पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया और 2 सेकंड के भीतर पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है। उसके बाद मैं अपने पेटीएम वॉलेट में गया चेक करने के लिए, तो आप यहाँ देखिए 100 रुपीज कैशबैक रिसीव फ्रॉम लहर AI प्राइवेट, तो 100 रुपीज सक्सेसफुली लहर ऐप से मेरे पेटीएम वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। अब जैसा कि ये फुल केवाईसी वाला पेटीएम वॉलेट है तो यहाँ से आप इस 100 रुपीज को इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में विदाउट एनी चार्जेस सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी लहर ऐप को यूज करके अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और ये इंस्टेंटली ट्रांसफर हो रहा है। बस यहाँ पे चार्जेस थोड़े बहुत ज्यादा है, तो अब आप सोच लीजिए आपको ट्रांसफर करना है या नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्रिक पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक करना ना भूले।